सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल्स आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं रेल ब्रेक्स द इंटरनेट मूवी के बारे में, जिसकी एक आर्ट कॉन्सेप्ट आई है। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये विकेट वेल्फ का सीक्वल है, लेकिन इस बार डिज्नी ने कुछ अलग किया है फैंस के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के आर्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, जो ये है। तो इस आर्ट कॉन्सेप्ट को देखकर हम ये कह सकते हैं कि अब गेम की दुनिया में हमारा रेल्फ काफी पॉपुलर हो गया है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि कुछ लोग उसके ऑटोग्राफ्स के लिए खड़े हैं, जो उसे शायद से परेशान कर रहे हैं। और हम आगे वैनी लोपी को भी देख सकते हैं, जो शायद अब कुछ ढूंढने निकली है। तो ऐसा हो सकता है कि वो अपने गेम के लिए कुछ अपडेट ढूंढने निकली है इंटरनेट पर, में हमारा रेल्फ भी उसकी मदद कर रहा होगा। क्योंकि इस फिल्म का टाइटल पढ़ के हमें ये पता चल जाता है कि ये फिल्म कहीं ना कहीं इंटरनेट से रिलेटेड है, क्योंकि सभी को पता है कि आर्केड गेम्स अब ज्यादा लोग नहीं खेलते। तो डिज्नी ने इस बार इंटरनेट का सहारा लिया है कि वो इस गेम को अब पॉपुलर कैसे बनाएगा। और इस इमेजेस के बैकग्राउंड पर नजर डालें तो हम इस आर्ट कॉन्सेप्ट को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद अब हमारे रेल्फ इंटरनेट की दुनिया में है। तो डिज्नी ने इस सब्जेक्ट को क्यों चुना है उसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि इस सब्जेक्ट पर पहले भी एक फिल्म बन चुकी है जिसका नाम है इमोजी, और उस फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आप सबको पता है। यहाँ तक कि उस फिल्म को रोटेन टमाटो पे सिर्फ 90 स्कोर मिले हैं, जो उस फिल्म के लिए काफी बुरी बात थी। यहाँ तक कि उस फिल्म को किसी भी क्रिटिक्स ने अच्छा नहीं कहा, और वो 2017 की सबसे हॉरर मूवी में से एक थी। और उस फिल्म की स्टोरी भी हमारे रेल्फ ब्रेक द इंटरनेट से कहीं ना कहीं मैच करती है। और क्या आपको ये पता है कि इमोजी मूवी की वजह से सोनी ने एक बड़े प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया था, और वो प्रोजेक्ट था पॉपाय मूवी। और इमोजी मूवी के वजह से सोनी कंपनी ने पॉपाय मूवी को डिले कर दिया। अब देखते हैं कि वो पॉपाय मूवी बनाएगा या नहीं। और बात करें हमारे रेल्फ की कास्टिंग की, तो इस फिल्म में सभी कैरेक्टर्स वापस आएंगे अपनी वॉइस देने के लिए। और जिस तरह से डिज्नी इस फिल्म को लेकर छोटी छोटी डिटेल्स दे रहा है, तो इससे तो साफ है कि हमें इस फिल्म का ट्रेलर काफी जल्दी देखने मिलने वाला है। और बात करूं इस फिल्म की रिलीज डेट की, तो इस फिल्म की रिलीज डेट है 9 मार्च 2018। तो अब वेट करते हैं इस फिल्म के रिलीज होने का, और हो सकता है कि ये फिल्म हिंदी में भी रिलीज हो, क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट हिंदी में अवेलेबल है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके इस फिल्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछें। मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको इस फिल्म से रिलेटेड हर एक अपडेट दे दूं। और रिसेंटली मैं काफी बिजी हूं अपने काम को लेकर, इसलिए मैं वीडियोस काफी कम डाल रहा हूं। जैसे ही फ्री हो जाऊंगा तो मैं फिर से वीडियोस की लाइन लगा दूंगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय।